और आज तो खास तौर से छठ का दिन चल रहा है, तो छठ के त्यौहार की खबरें आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ और खबरें भी होती हैं जो हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, और उनमें से एक है बिजली। याद होगा आपको पिछले दिनों पावर प्लांट्स में कोयले की कमी की वजह से एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो खड़ा हो गया था, आखिर कोयले का स्टॉक इतना कम हो गया था, उसी से जुड़ी एक खबर हम आपको आज 11 स्पेशल दिखा रहे हैं। देखिए छठ है, अपनी जगह है, लेकिन बाकी चीजें भी है ना, तो इसलिए उन खबरों को भी हम दिखाते हैं स्पेशल में। देश के कई पावर प्लांट में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, ये परेशानी अभी बनी हुई है। दूसरी तरफ मैथन पावर लिमिटेड यानी एमपीएल में बीसीसीएल से जाने वाले कोयले की गुणवत्ता को खराब करने में धनबाद के कुछ अवैध कोयला धंधेबाज कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमाघाटा का है। शर्मा एंड सन्स जो पिता पुत्र है इनकी जोड़ी है, वो अपने निजी डिपो में एमपीएल जाने वाले हाईवा से अच्छी क्वालिटी का कोयला, अच्छी गुणवत्ता का कोयला अनलोड कर लेते हैं और उसमें रिजेक्टेड कोयला उतनी ही मात्रा में डाल देते हैं। इससे न केवल एमपीएल को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि बीसीसीएल के साख पर भी बट्टा लगता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल के जरिए कि पूरा मामला क्या है और कैसे यह गड़बड़ झाला हो रहा है और कैसे किसको कितना नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट पहले। एमपीएल के कोयले को गोविंदपुर में टपाने का भंडाफोड़। आमाघाटा में रोहित शर्मा प्रवीण शर्मा के डिपो में एमपीएल के हाईवे से उतारा जा रहा था कोयला। पुलिस ने मारा छापा, दोनों हाईवा और एक जेसीबी जब्त, 500 टन रिजेक्शन व स्लरी कोल जब्त। डिपो संचालक पिता पुत्र के अलावा आउटसोर्सिंग व ट्रांसपोर्टिंग कंपनी संजय उद्योग, हाईवा मालिक व चालकों के खिलाफ गोविंदपुर में दर्ज हुआ मामला। ये है रोहित शर्मा, कोयले के अवैध धंधे का ये बेताज बादशाह है। अपने बेटे के साथ ये धंधा करता है जिसमें आउटसोर्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आमाघाटा धनबाद रोड स्थित आमाघाटा रोड आमाघाटा में रोहित शर्मा और प्रवीण शर्मा, प्रवीण शर्मा इनका रोहित शर्मा का पुत्र है, के कोल डिपो में जो है ना दो हाईवा जिसमें एमपीएल जाने के लिए कोयला जा रही थी उसको अनलोड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के क्रम में, सत्यापन के क्रम में वहाँ से दो हाईवा कोल डिपो के अंदर से जब्त किया गया है और कोल डिपो में करीब 500 टन जैसे स्लेक है, रिजेक्टेड कोयला है जो भी पाया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब एसएसपी संजीव कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थानेदार उमेश सिंह ने उनके डिपो में छापेमारी की। छापेमारी में एमपीएल के दो हाईवा को अनलोड करते पकड़ा गया। जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर धर्मवीर गोराई ने पूछताछ में सारे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सभी संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एमपीएल जो कोयला जा रही थी उसमें से जो बेहतर क्वालिटी का कोयला है जो कोल कंपनी के द्वारा लोड किया गया है एमपीएल के लिए, उसको कुछ अनलोड करके उतना ही मात्रा में उसमें रिजेक्टेड कोयला को मिला करके फिर एमपीएल भेज दिया जाता था। इसी सूचना कोर्ट में भी प्राप्त हो रही थी, इसी सूचना के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। मामला गोविंदपुर पुलिस के संज्ञान में 8 तारीख की देर रात आया। वहाँ से पुलिस ने रेड किया तो अंदर में दो हाईवा को जो एमपीएल के लिए गोधर कोलियरी से लोड हुआ था, संजय उद्योग ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है उसके माध्यम से वो जा रही थी एमपीएल, और एमपीएल जाने के बदले घुस गई यहाँ इस डिपो में, रोहित शर्मा के डिपो में। यहाँ से माल का हेरा फेरी चल ही रहा था, बेहतर बढ़िया माल उतारने का काम चल ही रहा था कि पुलिस ने धावा बोला और दोनों हाईवा को जब्त किया। हालांकि इस दरमियान एक जो चालक है हाईवा का वो फरार हो गया, दूसरा चालक धर्मवीर गोराय उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस डिपो से लगभग 500 टन रिजेक्शन कोल और स्लैक जो घटिया किस्म का कोयला होता है उसको बरामद किया, उसको जब्त किया है। और चूंकि ये जो हाईवा में जो कोयले जाते थे उसमें इन्हीं घटिया कोयला को मिलाकर उसका वजन जो है पास में बगल में काटा है, मेकअप कर दिया जाता था,
तो जिससे MPL को ये पता नहीं चलता था, BCCL को भी पता नहीं चलता था कि माल जो भेजा गया वो उसमें कटिंग हो गई। अब देखने वाली बात होगी पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों में कितना हड़कंप मचा है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण वर्णवाल। बिल्कुल, तो ये खेल बड़ा जबरदस्त है। इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो वो लोग जो लोग कोयले की लोडिंग करते होंगे, दूसरे वो लोग तो हैं ही जो कोयले की अनलोडिंग कर लेते थे और खराब कोयला दे देते थे, और तीसरे वो लोग भी थे, वो पक्ष भी था जहां पर वो कोयले को दोबारा डंप किया जाता था, यानी कि MPL में। इनकार तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर कोयला उतर रहा है तो कोयले की गुणवत्ता के इस पर तो नजर जाती ही रहेगी, तो आंख मूंद लिया जाता होगा क्योंकि कटमनी चली जाती होगी। तो ये बड़ा खेल सामने आया है। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, किस स्तर पे, कैसे कैसे तमाम चीजें हुई हैं, आखिर किसने जानकारी दी होगी सबसे पहले? और खेल तो बड़ा लंबा चल रहा होगा, ये काफी दिनों से चल रहा होगा। अरुण, जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह धनबाद ही क्या, जितने कोयलांचल के एरिया हैं वहाँ कोयले के जो हेराफेरी का जो धंधा है वो कब किस रूप में होगा कोई समझ भी नहीं सकता है। पहले जहाँ कोयले का अवैध मनी माइनिंग की जाती थी, उसके बाद साइडिंगों से चोरी की जाती थी, अभी एक जो नया जो सिलसिला चल पड़ा है, और वो भी तब से जब से यहाँ धनबाद के मैथन में MPL ने पावर प्लांट स्थापित किए हैं और यहाँ की विभिन्न कोलियरियों से, विभिन्न साइडिंग पॉइंटों से कोयले वहाँ पर भेजे जाने लगे उस पावर प्लांट के लिए। अब कल का जो मामला है, जो गोविंदपुर पुलिस ने इस मामले का जो उद्भेदन किया, उसमें MPL के लिए जो ट्रकें जा रही हैं उसमें उसके बेहतर कोयले को निकाल कर उसमें से कटिंग करके उतने ही माप में, उतने ही वजन में घटिया स्तर का कोयला या रिजेक्शन कोल वो मिलाकर ट्रक हाईवा से भेज दिया जाता था। इस सिलसिले में बहुत लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जैसा कि कल आज गोविंदपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश सिंह ने बताया कि ये मामला कई दिनों से चल रहा था, लेकिन हमेशा उनको इस सफलता नहीं मिल पा रही थी वहाँ पर छापेमारी के बाद। लेकिन आज जो बीती रात जो है उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर जो SSP के थ्रू मिली थी, उनको SSP के थ्रू लीड मिला था, और उसके बाद जब उन्होंने छापामारी की देर रात तो वहाँ से दो हाईवा पकड़ाए जो जिनमें MPL का कोयला लोड था। वहाँ पे उस JCB के माध्यम से कोयला निकाला जा रहा था और उसके बदले रिजेक्शन कोल, जो घटिया स्तर का कोयला होता है, या स्लैग, जो लो ग्रेड का कोयला होता है, उसको उसमें मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों हाईवा को जब्त किया और दो में से एक के ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन दूसरा जो ड्राइवर है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया। अब इसके पीछे जो लोग हैं, जो ये डिपू जो संचालित चल रहा था गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमाघाटा में, ये एक ऐसा शख्स है जो पिछले कई सालों से अवैध कोयले के कारोबार में बेताज बादशाह बना हुआ है और कई तरह के जालसाजी भरे काम, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से चोरी का कोयला मंडियों में खपाने का काम हो, चाहे डिपुओं में या भट्टों में देने का काम हो, वहाँ पे देने का काम इन्होंने किया है। तो माफ़ करेंगे, वैसी स्थिति में रोहित शर्मा है झरिया का, अब रोहित शर्मा के साथ साथ उसका बेटा प्रवीण शर्मा, दोनों का वो डिपू है जहाँ पर इस तरह की हेरा फेरी का काम किया जा रहा था, और उसमें जो हाईवा जो आ रही थी वो गोधर से लोडिंग हुआ था, गोधर कोलियरी से लोडिंग हुआ था, और वहाँ पे वो संजय उद्योग के माध्यम से उसका आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो आउटसोर्स भी करती है, ट्रांसपोर्टिंग भी करती है, तो वो जो काम है वो आउटसोर्स करने के बाद उन्होंने वो MPL के लिए ट्रांसपोर्टिंग भी कर रही थी। ऐसी स्थिति में वो इसकी भूमिका, आउटसोर्सिंग कंपनी की भी भूमिका संदेह के दायरे में है। गोविंदपुर पुलिस ने प्रवीण शर्मा, उसके पिता रोहित शर्मा, दोनों हाईवा के मालिक, दोनों हाईवा के ड्राइवर के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनी को भी संदिग्ध माना है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके आगे की अनुसंधान में जुट गई है। तो फिलहाल पुलिस को वहां से 500 के टन के करीब रिजेक्शन कोल और स्लैग बरामद हुए हैं, जिसे जब्त किया गया है, JCB को जब्त किया गया है, दोनों हाईवा को जब्त किया गया है और एक ड्राइवर को जेल भेजा गया है। तो अब चूंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कल तक पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन कल दोपहर बाद से जो आरोपी जो भी है, रोहित शर्मा और प्रवीण शर्मा, उसके खिलाफ
उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करेगी और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके लिए उसका उसका भी जांच पड़ताल करेगी और कहीं से भी उनकी सहभागिता शामिल होगी तो उस स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो एमपीएल जहाँ ये कोयला खप रहा है, कोयला खपाया जा रहा है मिली भगत करके, जालसाजी करके, तो इसमें एमपीएल की भी कतिपय कर्मचारियों या अधिकारियों के मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में कोयला कोलियरियों से जाता है एमपीएल को, और वैसी स्थिति में जब रिजेक्शन कोल या स्लैग का प्रचुर मात्रा में जब वहाँ डंप होंगे हाईवा के माध्यम से, तो उसका पता वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों का ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर पुलिस इसमें गंभीरता से जांच करेगी और इसके अंदर जाएगी तो कई कुछ मामले पर से पर्दा हटेगा और कई सफेदपोश बेनकाब होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा किया है, आपने इसे कवर किया है, बताया है, जानकारी दी है कि जो पावर प्लांट्स में कोयले कि कमी आ रही थी उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, और आप इसे कह सकते हैं अमानत में खयानत करना यही होता है, या यह भी कह सकते हैं माल मिर्जा का, माल महाराज का मिर्जा खेल होली, यानी कि एमपीएल को जाना है कोयला, आप सिर्फ माध्यम है कि आपको ट्रक के जरिए उसे ले जाना, लेकिन आप ट्रक में से उसका सामान उतार के अपना खराब सामान डाल देते हैं, तो इस तरह से आप किराए भी ले लेते हैं और फिर अच्छे जो माल है उसको भी ले लेते हैं। चलिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।